जी व्यूअर्स, स्टीम रोस्ट रान हम बना रहे हैं, तो स्टीम रोस्ट रान के लिए ये मैंने एक रान ले ली है। रान को आपने ये देखें, इसके जो है ना ये इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से बनवा लेना है कि ये इसका जो है ना कट है, इधर से इसको जो है ना वो कट लगवा लेना, क्योंकि मैं इसको प्रेशर कुकर में आपके लिए बना रहा हूँ, कम से कम टाइम में बना रहा हूँ, तो ये है कि आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए मैंने ये कर लिया, ताकि अगर प्रेशर कुकर में ये ऐसे पूरी नहीं भी आती तो इस तरह से करके ये पूरी आ जाए। ठीक है जी, ये देखें अब इसको जो है ना मैं आपको बताऊंगा, इसको हमने ना टक लगाने हैं, थोड़े से डीप टक लगाने हैं, एंड तक नीचे तक जो है ना आपका ये जाए। ये देखें, पहले जो मैंने आपको रान रोस्ट की रेसिपी बताई थी मंदी के साथ, जो वो रेसिपी और थी, ये स्टीम रोस्ट रान है जिसको हम स्टीम में पकाते हैं। ठीक है जी, इसको जनाब आपने अच्छी तरह जो है ना छुरी के साथ खोल लेना है। ये फिर आपने ना इधर थोड़े थोड़े जो है ना वक्फे पे ये लहसुन जो है ना लहसुन की तुरियां भर लेनी है। थोड़े थोड़े काट लगा के लहसुन की तुरियां उसमें भर देनी है। इसी तरह जो है ना इधर लगा लेते हैं। इसका लहसुन का व्यूअर्स बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, और ये जो है ना अपना जो गोश्त में हल्की फुल्की सी जो स्मेल भी होती है ना वो भी निकल जाती है, और बाकी भी इसके जो है ना लहसुन के आपको पता है मज़ा भी अपना ही है और फ़ायदे भी अपने ही हैं। तो लिहाजा इसमें 10 से 12 हम लोग जितनी आप तुरियां भरना चाहें आप भर लें, 10 भर लें, 20 भर लें, 25 भर लें, इसका टेस्ट ही और है। इसने क्योंकि फ्राई भी होना है तो काफ़ी हद तक ये फ्राई में कवर हमारा हो जाएगा, और काफ़ी हद तक जो है ना ये वैसे कवर हो जाएगा। एक तो इसको हम टक लगाते जा रहे हैं, दूसरा इसमें हम लहसुन की तुरियां भरते जा रहे हैं। अगर आप ये लहसुन की तुरियां, आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो आप ना भी भरें तो ये कोई मुश्किल नहीं, आप बस ये कट वगैरह लगा लें। ये ले जी, हमने लहसुन की तुरियां इसमें भर ली। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारा रान का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब मसालों का आपको बताता चलूं। मसाला ये हमारा लेमन पाउडर है, आप इसकी जगह पे फ्रेश लेमन भी यूज कर सकते हैं, एक चम्मच लेमन, ये बल्कि डालते हुए मैं आपको बता दूंगा कि कितना कितना। ये काली मिर्च है, जीरा सूखा धनिया कूटा हुआ है, एक अंडा है, मिर्च है लाल, और ये नमक है, मैदा है, मैदा ये तकरीबन 150 ग्राम है, और ये जर्दा रंग है। अब इनको करता हूँ साइड पे और रान को लाता हूँ आपके सामने, ताकि रान का जरा आपके साथ सामना करवा सकूं। जी व्यूअर्स, ये रान आ गई। ठीक है जी, इसके बाद सबसे पहले मैं इसको लगा रहा हूँ लेमन जूस, लेमन पाउडर। लेमन पाउडर एक चम्मच मैंने लगा दिया है। अगर आप फ्रेश लेमन यूज करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 लेमन इसको लगा दें। उसके बाद आगे जनाब हमारी काली मिर्च, एक चम्मच आप ये लगा दें काली मिर्च का। उसके बाद आ गई हमारी लाल मिर्च, लाल मिर्च का तकरीबन आपने लगाना है 1.5 चम्मच। काफी देर से आप लोग कह रहे थे कि जी हमें चमचों के हिसाब से बताएं, ग्रामेज के हिसाब से ना बताएं, तो ने आपकी मैंने सुन ली है। 2 चम्मच जीरा सूखा धनिया, कूटा हुआ जीरा सूखा धनिया। उसके बाद आ जाता है जी हमारा सॉल्ट, नमक। नमक व्यूअर्स तकरीबन 1.5 किलो की ये रान है, हम 2 चम्मच लगाएंगे, क्योंकि जब स्टीम में ये लगती है तो थोड़ा सा नमक ये कम करती है, तो लिहाजा 2 चम्मच इसको नमक लगाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा जर्दा रंग, जर्दा रंग तकरीबन जितना आप कलर देना चाहें, तकरीबन 1/2 चम्मच वैसे काफ़ी होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा अंडा, एक अंडा हमने लगा देना है। उसके बाद फिर आ गया हमारा मैदा, ये तकरीबन जो है ना 150 ग्राम मैदा है। ठीक है ना, ये 1 किलो को 100 ग्राम लगता है, और अगर 1.5 किलो हो तो 150 ग्राम। ये मैंने मैदा लगा दिया। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह रान के साथ, मैदे के साथ मिक्स करके रान की कोटिंग कर देनी है। व्यूअर्स, एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, हाँ वो ये है अदरक लहसुन।
ये तकरीबन हमारा 50 ग्राम अदरक और 50 ग्राम लहसुन है। ये देखिए अब होगी राम की कोडिंग। व्यूअर्स ये जो आपने कट लगाए हैं ना, ये आपने कोशिश करना है कि उसके अंदर तक मसाला भरें, लहसुन को बाहर ना निकलने दें, लहसुन को अंदर ढक दें, आप ढक छोड़ें। इसको अच्छी तरह आपने तकरीबन आपके 2 से 3 मिनट भी लग जाएं लगा दें, कोई मसला नहीं। सारा चीज़ें ये जो सारे मसाले हैं मिक्स करके रान के ऊपर अच्छी तरह आपका जो है ना ये सारा बैटर आना चाहिए कि रान आपकी अच्छी तरह जो है ना मसालों में जैसे कहते हैं ना नहला दिया, उस तरह जो है ना नहा जाए। इसमें कोई टेंडराइज यूज़ नहीं किया क्योंकि ये स्टीम में हम इसको कुकर में स्टीम लगाएंगे और ऐसी फर्स्ट क्लास ये गल जाएगी कि ज़रूरत ही नहीं है कोई भी इसको ऐसी चीज़ लगा रहे की कि जिससे जो है ना ये इसका कोई इसको टेंडराइज कर सकते हैं। ये लें व्यूअर्स, ये लग गया सारा मसाला, ये आपने सारा उठा के ना सारा अच्छी तरह से लगा देना है तसल्ली के साथ, फिर आपने इसको फ्राई करना है। व्यूअर्स ये रान को मैरिनेट करके हमने रख लिया था, इसको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं कि 2 घंटे रख दो, 4 घंटे रख दो, 1 दिन रख दो, नहीं। ये स्टीम रोस्ट वाली रान है, इसने खुद ही सारा नमक शमक ये वो इधर उधर से सारा अब्जॉर्व कर लेना है, कोई ज़रूरत नहीं इसको। बस आप लगाएं मसाला, इसको फ्राई करें, अल्लाह का नाम लेके और स्टीम पे लगा दें। ये मैंने इसके ऊपर सारा मसाला लगा दिया था, ये थोड़ा थोड़ा अगर रह जाए ना, आपने हल्का सा पानी का छट्टा लगाना है और ये सारा मसाला आपने रान के ऊपर लगा लेना है। ये देखें दोनों तरफ से रान को कैसा बेहतरीन जो है ना मसाला लग चुका हुआ है, ठीक है। एक काम आपने और करना है, थोड़ा सा ये जो रह भी जाता है ना मसाला, इसको भी आपने अच्छी तरह इसके ऊपर लगा देना है ताकि हमारा सारा मसाला जो है ना रान के ऊपर अच्छी तरह से आ जाए। ये जनाब घी को हमने फुल गरम कर लेना, फुल टाइम गरम जिसे कहते हैं ना, और उसमें हमने ये रान फ्राई करके रख लेना। अब ये व्यूअर्स फ्राई होगी, मैक्सिमम ये 5 मिनट ले ले, ठीक है जी, फुल तेज आपने आपके इसको फ्राई करना है। 5 मिनट ले ले, 3 मिनट ले ले, 4 मिनट ले ले, जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर जो है ना लाइट से डार्क ब्राउन हो जाएगा आपने इसको निकाल लेना है। कलर थोड़ा आपने डार्क ब्राउन इस वजह से करना है क्योंकि स्टीम जो है ना इसका कलर थोड़ा लाइट कर देती है, इसलिए पूरे तरीके से आपने इसको डार्क ब्राउन करके फिर इसमें इसको आपने फाइल कवर में लगा के कुकर में स्टीम लगा। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए सबसे बेहतरीन चीज जो इसकी हुई है कि मसाला कैसे इसको चिपक गया है, जैसे वो कहते हैं ना कुंडों में जैसे कहते हैं कि जिन चबड़ गया है, इस तरह से जो है ना मसाले ने पकड़ कर लिया, जिस तरह किसी बंदे को जिन चबड़ गया है। तो अब हम इसको ये देखिए कलर भी इसका थोड़ा सा डार्क करना है ताकि इसको जो है ना हमने जब स्टीम लगाए तो कलर अगर इसका थोड़ा सा लाइट भी हो जाए ना तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है जी। अब ये हमारी रान जो है फ्राई हो चुकी है, आप अगला प्रोसीजर है इसको स्टीम लगाने। इसको हम इस तरह से लगाएंगे डबल करके कि इसके अंदर ना पानी ना जाए किसी तरीके से भी, ये आपने ज़रा देख लेना। सिल्वर फॉयल को बड़ी अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर लगा देना, सिल्वर फॉयल कहीं से भी जो है ना आपको 175-200 रुपये तक का जो है ना वो मिल जाएगा मैक्सिमम। बस इसको लगाना आपने इस तरह से है कि ये जनाब पानी का अंदर जाने का कोई जो है ना वो सबब ना बने। ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह लगा दिया, रान को जितना आप श्रिंक कर सकते हैं आप करें क्योंकि प्रेशर कुकर में इतनी जगह नहीं होती तो कि जिसमें इसको जो है ना वो अच्छी तरह से जो है ना हम मैनेज कर सकें। ये देखें व्यूअर्स अब इसमें ना हवा जा सकती है, ना पानी जा सकती है, ना ही कोई और चीज़ जा सकती है। अब हम इसको प्रेशर कुकर में रखेंगे और तकरीबन हम इसको 30 से 40 मिनट की स्टीम देंगे, फिर देखिएगा कैसी ये जो है ना अपने फोम की तरह ऐसे आपको मक्खन की तरह गली हुई जो है ना आपको रान मिलेगी। चले आए अब हम इसको प्रेशर कुकर में लगाने का तरीका भी आपको बता दें। जैसे मैंने आपको बताया कि 40 से 45 मिनट लगेंगे
तो उस हिसाब से मैंने तकरीबन ना इसमें कोई 2 से 3 लीटर पानी ऐड कर लिया है, और उसको राम को इसके पानी की सरफेस से थोड़ा सा ऊंचा रखने के लिए मैंने ये बीच में बाउल, आम बाउल कोई भी आप रख दें, छोटे बाउल रख दें या कोई स्ट्रेनर वगैरह रख दें, ठीक है जी, वो रख के तो मैंने इसको राम को, अब राम को जो है ना बड़ा अपने तरीके से रखना है। ये देखें इतना बड़ा साइज है नहीं कुकर का, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड करके बीच में रखूँगा। ये देखें, ये देखें कितनी अच्छी है बीच में एडजस्ट हो गई है, ठीक है जी। अब ना तो पानी इसके साथ टच होगा, पानी टच भी हो जाए लेकिन पानी इसके अंदर नहीं जा सकेगा। और अब इसको ढक्कन लाएं जिसका, और अब इसको जनाब मैं ढक्कन लगा के तकरीबन जैसे इसको सीटी बजना इसकी शुरू होगी, इसका चूल्हा मैं हल्का कर लूंगा, हल्की सीटी पे इसको मैं तकरीबन 30 से 40 मिनट बाद मैं एक दफा चेक कर लूंगा। उसके बाद फिर फाइनल ये जो है ना वो मेरे ख्याल में जो है ना ये तकरीबन 40 मिनट बाद होगी, 30 मिनट बाद अगर फाइनल हो जाती है तो 30 मिनट बाद मैं आपको बता दूंगा। ये देखें व्यूअर्स, किसी ने आपको नहीं बताना कि रान जो है ना 1 घंटे से पहले भी रेडी हो सकती है। सारे आपको बताएंगे कि जी वो इतना कर लें, उतला कर लें, 1 दिन पहले लगा के रखें, 2 दिन पहले लगा के रखें। ये जनाब हमारा प्रेशर कुकर अब इसके ऊपर जनाब फिट आ गया। अब हम इसको स्टीम लगाएंगे, और स्टीम लगाने के बाद जैसे इसकी स्टीम खोलेंगे तो फिर आपको जो है ना इसका अगला प्रोसीजर देंगे। रान को 40 मिनट मैंने आपको बताया था, लेकिन 40 मिनट बाद मैंने खोल के देखा था तो ये अभी अच्छी तरह गली निकली हुई है, तकरीबन ये 80 से 90% के दरमियान गली हुई थी। तो मैंने कहा इसको जो है ना हमने फुल मलाई की तरह गलाना है, तो उसके लिए फिर मैंने जरूरी समझा कि इसको 15 से 20 मिनट का और जो है ना मैं ये स्टीम देंगू। तो अब तकरीबन इसको आप लगा लें कि 1 घंटा हो गया इसको स्टीम लगे हुए। अब स्टीम इसकी निकल चुकी है, अब हम इसको खोलते हैं और हम देखेंगे कि राम की हमारी क्या पोजीशन है, कहां तक पहुंची है राम। इसमें से इसको बाहर निकाल लेंगे हम, बड़ी एहतियात से निकालना है अपने प्रेशर कुकर में से। ये व्यूअर्स, तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? मजीद अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारे इवेंट्स की नई अपडेट्स के लिए हमारा इंस्टा का पेज और फेसबुक पेज लाइक करें। थैंक यू।